हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। सीमेट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द प्लेलिस्ट व्हिच मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो। टोटल विल बी कवरिंग 10 to 12 सेशंस एंड ऑल दिस सेशंस विल बी फिनिश्ड इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ। ओके, ऑल दिस सेशंस विल बी अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल तर्कशास्त्र, द चैनल वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। So, here we'll be covering the complete syllabus with 500 plus MCQ. Now, CMAT 2022 was something where innovation and entrepreneurship was first time made compulsory. This section, 20 questions, were made compulsory for the first time. ठीक है, CMAT 2021, there was innovation and entrepreneurship section having 25 questions, but it was optional. In 2022, it was compulsory. We are expecting it to be compulsory this year as well. We don't know when the syllabus will be released or paper pattern will be released, but this year it is going to be most probably compulsory. So it is something for which we'll have to prepare for, and 20 questions is a huge chunk. 20% of the marks are dependent on it. As I always say, CMAT rank is dependent only on two sections, general awareness and innovation and entrepreneurship, because other three sections are quite easy and manageable. But if you want to get the top rank, you'll have to focus on these two sections particularly. So, how we are going to plan those 10 to 12 sessions, we are going to look at that. What is the actual syllabus provided by the university or by the exam conducting body? We are going to discuss that. And from that, what we have taken and how we are going to plan it further is what we are going to focus on. Our major focus will be on MCQs, because now we are smart to understand what type of questions are asked in the exam. What I generally feel, or it is my personal feeling, that students who have done their graduation or their 11th and 12th standard from commerce field, they generally find it easy, innovation and entrepreneurship. For students from other streams like science and arts may find it a bit difficult, but most of the commerce students, they find it easy, and that can be seen from the test scores or mock test scores of the students. ठीक है, तो ये आपको इस चीज को ओवरकम करना होगा इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड मेनी टर्मिनोलॉजीज एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, बट योर कॉमन सेंस कैन बी अप्लाइड ओनली इफ यू नो द टर्मिनोलॉजी। है ना, आपको पता ही नहीं है कि यार फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, तो फिर आप कैसे वो क्वेश्चन आंसर करोगे? बट आपको पता है कि यार फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके ऊपर हर एक क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे, दैट वी कैन गारंटी। व्हाई? बिकॉज एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो जो क्वेश्चन है वो तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर सीमेट एंड सीईटी क्रैश कोर्स, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, सो दैट यू आर एबल टू अवेल द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज लाइक लाइव सेशंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, वैट पीए ट्रेनिंग, अपडेटेड बुक्स, मोबाइल ऐप, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मॉक एनालिसिस, एग्जाम स्पेसिफिक वर्कशॉप्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, डेली क्विज, जीके अपडेट्स, ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन यूट्यूब, ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड ऑल ऑफ दिस इन द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो द करंटली द क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग एट 3,000 rupees ओनली। इफ यू वॉन्ट टू अवेल इट, यू कैन परचेज इट फॉर बाय कनेक्टिंग विद अस ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। हियर द कंप्लीट सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, देर आर अदर प्लान्स एज वेल, यू कैन कनेक्ट विद अस सो दैट वी गाइड यू अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द सिलेबस विच इज प्रोवाइडेड बाय द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, दिस इज द सिलेबस। है ना, ये सिलेबस पढ़ के कुछ समझ में आएगा नहीं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं किया। यहाँ पे आपको सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है,
फिर प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन स्टेजेस दिख रहे हैं, स्टार्टअप एंड वेंचर डेवलपमेंट दिख रहा है ना। तो पहले तो ये पढ़ाना चाहिए, फिर ये पढ़ाना चाहिए, है ना। नाउ ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स, सोशल एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक साथ पढ़ाने चाहिए, है ना। देन आइडिया जनरेशन एंड प्री इंक्यूबेशन, ये एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली वी हैव मेड अवर सिलेबस कि आपको सब कुछ समझ में आए एंड एक ऑर्डर में आपको समझ में आए, ठीक है। दिस इम्पोर्टेंट ट्रेंड ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड स्टार्टअप विल बी कवर्ड बाय अस, ठीक है। सो सेशन कंटेंट हमारा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पे एक इम्पोर्टेंट सेशन कंटेंट जाएगा। देन दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड अवर सेशंस एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इट्स कवर्ड प्रॉपरली, ठीक है। आवर मेन फोकस विल बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द थियरी पार्ट। थियरी पार्ट इट्स मतलब एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको इंग्लिश में मैं डेफिनेशन दे दूंगा, वो कोई काम की चीज नहीं है, बट इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू इन अ लेमैन लैंग्वेज यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। एंड वैसे भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड आएगा, तो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें वी आर ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट इजी। टोटल वी आर गोइंग टू टेक 10 to 12 सेशंस। इन दीज 10 to 12 सेशंस वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट सफिशेंट अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज आर कवर्ड, बिकॉज नाउ वी आर स्मार्ट, बिकॉज वी नो प्रीवियस ईयर का डेटा है अपने पास कि यार कैसे सवाल पूछे जाते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेक अदर क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस इन द सिमिलर लाइंस कि आपको वो समझ में आए कि यार यस दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर फॉर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे या फिर सिर्फ जनरल अवेयरनेस ही पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। वील बी टेकिंग केयर ऑफ द थियरी पार्ट मोस्टली एंड फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन एमसीक्यूज। एक इम्पॉर्टेंट चीज, थियरी पार्ट जो है उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, बड़ी बड़ी डेफिनेशन देने से बेटर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है, विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे एंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। इट इज रिकमेंडेड दैट यू कीप योर ओन नोट्स, है ना, आप अपने नोट्स बनाते चलो सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रिवाइज लेटर, ठीक है। एक इफ यू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर रिविजन इट इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। मतलब एक वीडियो बनेगा आपका 45 मिनट्स 1 आवर का, अभी इतना बड़ा वीडियो हर बार देखते ही जाएंगे देखते ही जाएंगे देखते ही जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेटर यू फोकस ऑन मेकिंग योर ओन नोट्स, एक बार ज्यादा टाइम लगेगा बट रिविजन फटाफट हो पाएगा। सो दैट इज देयर फ्रॉम टुमोरो, टुमोरो यू विल गेट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। कम से कम एक 10 वीडियोज तो हम डालेंगे सो दैट सब कुछ कवर हो पाए, एंड बड़े बड़े सेशंस ना बनाते हुए छोटे छोटे सेशंस बनाएंगे सो दैट वो बोर ना हो जाए, ठीक है। इफ यू फील कि हमने और कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहिए, कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विजिट आवर वेबसाइट तर्कशास्त्र.co.in। थैंक यू सो मच, जय हिंद।